सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा भी अपने पूरे चरम पर है। डाक कांवड़ के साथ भारी कांवड़िया इस समय हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं इस कांवड़ यात्रा में खास बात यह है कि लक्सर में इस बार सावन माह बिना बारिश के ही सूखा नजर आ रहा है। लक्सर में इस समय चिलचिलाती भीषण गर्मी हो रही है। ऐसे में जहाँ भारी कांवड़ियों का आगमन और चिलचिलाती गर्मी ने सबके पसीने छुटा रखे हैं, तो वहीं कांवड़ियों के बीच खाकी अपनी ड्यूटी पूरी सेवा भाव के साथ निभाती नजर आ रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पुलिस अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अपनी ड्यूटी इस चिलचिलाती भीषण गर्मी में भी पूरी लगन सेवा भाव के साथ करती दिखाई दे रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सोमवाल का कहना है कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को जाम जैसी कोई परेशानी न हो, इसके लिए SSP के निर्देश पर सभी बंदोबस्त किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को सकुशल करना ही उनकी प्राथमिकता है। रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट। यहाँ से डाइवर्टिंग होकर हम इन्हें गाड़ियों को बैरागी की तरफ भेज रहे हैं। SSP सर के निर्देशन में पूरी हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने भी कांवड़ यात्री हैं तथा इनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के जाम या बहुत ही तरीके से अपने का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम सहयोग ले रहे हैं तथा जगह जगह हमारी ड्यूटीज लगी हुई है। निरंतर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जाम की स्थिति ना।